ओके सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम अवर सिलेबस, दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी। यहाँ पे मैंने 3.1 एंड 3.2 ऐसे दो पार्ट्स इसलिए किए हैं क्योंकि आपके मॉड्यूल में इस चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में कंपोजिशन स्कीम करके एक पॉइंट कवर किया है। ओके लेकिन हम जब डिस्कस करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी का जो चैप्टर है वो कंपोजिशन स्कीम एक्सक्लूड करके अभी डिस्कस करेंगे। ओके क्योंकि कंपोजिशन स्कीम अंडरस्टैंड करने के लिए आपको और कुछ थोड़े से कंसेप्ट जीएसटी में अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो हम थोड़े बाकी के चैप्टर्स देखेंगे, उसके बाद हम वापस आके वो कंपोजिशन स्कीम वाला जो पॉइंट है हम फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अदर देन कंपोजिशन स्कीम जो बाकी का ये है जीएसटी में चार्ज का प्रोविजंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है कि जो चार्जिंग सेक्शन है, कोई भी टैक्स लॉ में देर इज अ चार्जिंग सेक्शन, पता है आपको क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब यह है कि उस सेक्शन में उस टैक्स की लेवी डिफाइन की हुई है। जैसे हमने आपने देखा आप सैलरी सीख रहे हो इनकम टैक्स में, तो सैलरी का अलग से चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में। ओके या फिर आपको क्या है उसमें सैलरी का हाउस प्रॉपर्टी का अलग से चार्जिंग सेक्शन है। ओके या फिर कैपिटल गेन का अलग से चार्जिंग सेक्शन है। ओके सो ऑन द सिमिलर लाइंस देयर इज अ चार्जिंग सेक्शन अंडर जीएसटी लॉ। ओके व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन, को इस सेक्शन में वो टैक्स की लेवी डिफाइन की हुई है। सो हमने देखा था, एक पता है आपको इंट्रास्टेट सप्लाई से दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। इंट्रास्टेट मतलब क्या, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों भी एक ही स्टेट में है। ओके इंट्रास्टेट मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट अलग अलग स्टेट्स में है, राइट। सो ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पे होते हैं तो हमने देखा था कि इंट्रास्टेट पे सीजीएसटी प्लस एजीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट पे आईजीएसटी लगेगा। ये कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये इस चार्जिंग सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। सो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेवी ऑफ टैक्स, जीएसटी कैसे लेवी होता है। ओके कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे किस प्रकार से जीएसटी लेवी होता है, ये सब हमको इस चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में देखना है। अंडरस्टूड? ठीक है, सो बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रास्टेट सप्लाई किसको बोलना है और इंट्रास्टेट सप्लाई किसको बोलना है। हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी, बट जस्ट लेट्स रिफ्रेश। तो पहले हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक कॉमन लैंग्वेज में बोला था कि रिसिपिएंट और सप्लायर अलग स्टेट में या फिर एक स्टेट में। प्रिसाइजली अगर जीएसटी लॉ के लैंग्वेज में हमको बात करना है तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है, ओके कौन से दोनों वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है और सेकंड वन इज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई, मतलब सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, सो वो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई और उसके ऊपर कौन सा टैक्स लेवी होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी होगा। सिमिलरली अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट्स में है, ओके और दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है, या फिर इसमें से एक कोई स्टेट में है और एक कोई यूनियन टेरिटरी में है। सो फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, सो दो डिफरेंट स्टेट्स में हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। या फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, सो लोकेशन ऑफ सप्लायर लेट्स से इट इज इन पॉन्डिचेरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से लक्षद्वीप, सो दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हो गया, सो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। एंड मान लो प्लेस ऑफ सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन महाराष्ट्र एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दीव दमन, सो दीव दमन अगर मतलब एक स्टेट में हो गया दूसरा यूनियन टेरिटरी में हो गया, अगर ऐसा, अरे यार गूगल मीट में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो। सो अगर एक एक जब लोकेशन ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई कोई यूनियन टेरिटरी में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, यो दिस वन इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे और उसके ऊपर कौन सा टैक्स लेवी होगा, आईजीएसटी लेवी होगा। ये बेसिक हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ पे हमको पता होना जरूरी है। सेकंड थिंग, जीएसटी लॉ की एप्लीकेबिलिटी कैसे है,
ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट, हमने बोला था चार टाइप के लॉज है अलग अलग. सेंट्रल जीएसटी एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है. आईजीएसटी एक्ट 2017 अगेन अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. स्टेट जीएसटी एक्ट हर एक स्टेट के अलग अलग है. स्टेट जीएसटी एक्ट का क्या होगा, हर एक स्टेट के वो लॉज अलग अलग है. एंड यूटी जीएसटी एक्ट मतलब जो भी यूनियन टेरिटरीज है हमारे कंट्री में वहां पे उसकी अप्लीकेबिलिटी हो जाती है. तो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, ये जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे यूटी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है, सो ये बेसिक देखा है हमने पहले चैप्टर में. ठीक है, अगेन जस्ट वी आर रिवाइजिंग. नाउ वी विल डिस्कस द एक्चुअल चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी लॉ. सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड ऑल द एचजीएसटी एक्ट्स. कैसे लॉज अलग अलग है ना जीएसटी में. तो देखो कि सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या फिर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट या फिर सेक्शन 7 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट. ओके, हर एक लॉ में चार्जिंग सेक्शन का नंबर अलग अलग है लेकिन जो प्रोविजंस है दिस प्रोविजंस आर वेरी सिमिलर, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट. ओके, तो कोई भी एक प्रोविजन हम रीड करेंगे तो वो इज एज गुड एज कि हमने सभी लॉज के अंडर के चार्जिंग सेक्शन को रीड किया है. ठीक है, सो व्हाट सेक्शन 9, सो सेक्शन 9 इज अ चार्जिंग सेक्शन. सो देखो हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमने सेक्शन 7 डिस्कस किया, सप्लाई किसको बोलना है. फिर सेक्शन 8 डिस्कस किया, मिक्स सप्लायर कंपोजिट सप्लाई. अब हम जा रहे हैं सेक्शन 9 पे, जहाँ पे हम बोलने वाले हैं कि हाउ द टैक्स इज लिविड. ठीक है, सो 9 सबसेक्शन 1, लेट्स रीड. सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और अगर एचजीएसटी रहेगा तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब रेडिंग हो जाएगा. ओके, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन. सो बेसिकली इस सेक्शन ने जीएसटी की लेवी डिफाइन किया है. क्या बोल रहा है वो, सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 देर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल द इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सो वो लेवी कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर सेंट्रल जीएसटी शैल बी लेविड. ओके, और सिमिलरली स्टेट जीएसटी में क्या प्रोविजन रहेगा, स्टेट जीएसटी शैल बी लेविड. क्योंकि इंट्रास्टेट पे दोनों एक साथ लगता है ना, सेंट्रल हाफ एंड स्टेट हाफ, राइट. सो इंट्रास्टेट सप्लाई के जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी होगा या फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी होगा एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो दिस टैक्स विल बी लेविड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो जो लिकर है, लिकर को छोड़ के बाकी सब गुड्स एंड सर्विसेज पे ये सीजीएसटी या फिर एचजीएसटी जो है वो अप्लाई हो जाएगा. सो लिकर इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी. ओके, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15. सो ये जो टैक्स लेवी होने वाला है वो किस पे लेवी होने होगा, जो सप्लाई की वैल्यू में डिटरमाइन करूंगा ऑन अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. सो उस वैल्यू के ऊपर ये जो मेरा टैक्स है वो टैक्स लेवी होने वाला है. अंडरस्टूड? ठीक है, सो जीएसटी कैसा टैक्स है, एड वेलोरम टैक्स है. आपको ये पता है, कभी ये वर्ड सुना है एड वेलोरम टैक्स. एड वेलोरम इसका मतलब इट इज ऑलवेज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू. ओके, इट इज ऑलवेज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू. सो मेरे गुड्स का वैल्यू कितना है, उसका 18%, उसका 28%, उसका 12%, ऐसे रेट से जीएसटी चार्ज होता है. सो वो क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन छोड़ के बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, ओके, उसका जो सेक्शन 15 में वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा उस वैल्यू के ऊपर सेंट्रल जीएसटी या फिर स्टेट जीएसटी लेवी हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, सो ये वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 हमारे सिलेबस में देर इज अ चैप्टर कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई. उसमें हम ये सेक्शन 15 के प्रोविजंस डिस्कस करने वाले हैं, तब हम डिटेल में देखेंगे उसके. तो उसके ऊपर वह जीएसटी लेवी हो जाएगा एट सच रेट्स
नॉट एक्सीडिंग 20%. सो व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी? द एक्ट इज सेइंग 20%, बट देर इज अ रेट ऑफ 28% ऑल्सो. सो हाउ इट इज पॉसिबल? बट इफ लॉ इज सेइंग एट 20%, नॉट एक्सीडिंग 20%, ऐसा नहीं होता. नो, सी, नॉट एक्सीडिंग 20% ये प्रोविजन है सेंट्रल जीएसटी एक्ट का. ऐसा ही सिमिलर प्रोविजन स्टेट जीएसटी एक्ट में भी रहेगा. सो 20 सेंट्रल के, 20 स्टेट के, मैक्सिमम रेट कैन बी 40%. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये 20% वाला प्रोविजन कौन सा है? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का है. ऐसा ही सेम प्रोविजन महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी एक्ट में भी रहने वाला है. सो जहाँ पे भी मैं इंटरस्टेट बोलता हूँ तो हाफ सेंट्रल का हाफ स्टेट का ऐसा हो जाता है. सो 20% फ्रॉम सीजीएसटी, 20% फ्रॉम एसजीएसटी, ऐसा मिलकर टोटल व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी? 40%. अंडरस्टूड? नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. सो कौन से रेट से जीएसटी चार्ज करना है, कौन से गुड्स और मतलब कोई स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस पे, ये गवर्नमेंट नोटिफाई करता है. सो हमारे यहाँ पे जीएसटी में नोटिफिकेशन से अलग अलग से, उसमें एक नॉर्मल जीएसटी नोटिफिकेशन और जीएसटी के रेट नोटिफिकेशन, ऐसे दो टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं. रेट नोटिफिकेशंस में अलग अलग से गुड्स या सर्विस पे कौन से रेट से जीएसटी लगेगा वो डिफाइन किया हुआ है. सो अगर आप वो देखोगे, एक 500-600 पेजेस का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, उसमें ये सब गुड्स और सर्विसेज लिस्ट डाउन किए हुए हैं और हर एक के सामने कौन से रेट से जीएसटी लगेगा वो नोटिफाई किया हुआ है. ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे रेट नोटिफाई करेगा और उस रेट से गुड्स या सर्विसेज पे क्या होगा, जीएसटी लेवी हो जाएगा. कौन सा जीएसटी? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेविड. अंडरस्टूड? ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये समझ में आ गया बेसिक क्या प्रोविजन है. नाउ ये सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, देखो कि द सेंट्रल और स्टेट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल. सो वो क्या बोल रहे हैं, ये 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं. कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड योर दिस वन पेट्रोलियम क्रूड. ये 5 टाइप के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वो क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जो डेट नोटिफाई करेगा उस डेट से जीएसटी लेवी हो जाएगा. अंडरस्टूड? क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू नोटिफाई द डेट एंड मस्ट दे नोटिफाई द डेट, फ्रॉम दैट डेट दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर जीएसटी लॉ. ओके, नाउ अब देखो, अगर ये आप सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 देखोगे तो उसमें हमने 2 टाइप के गुड्स ऐसे देखे हैं कि जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है. कौन सा? सबसेक्शन 1 में क्या है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके ऊपर जीएसटी का लेवी नहीं है. और सबसेक्शन 2 में क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मेंशन किया हुआ है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट जब डेट नोटिफाई करेगा उस डेट से जीएसटी लेवी हो जाएगा. ओके, अभी तक वो डेट नोटिफाई नहीं किया है, जब गवर्नमेंट ये डेट नोटिफाई कर देगा देन इमीडिएटली. गूगल मीट को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है बार बार आज. सी, सो लिकर पे वो क्या बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं लेवी हो रहा है, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू, गवर्नमेंट हैज टू जस्ट नोटिफाई द डेट एंड फ्रॉम दैट डेट इमीडिएटली जीएसटी विल बी लेविड ऑन दिस 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब ऐसा एक बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था हमारे एग्जाम में कि डिफाइन और व्हाट वी कैन से एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेवी ऑफ जीएसटी ऑन अल्कोहलिक लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स.
फर्क क्या है आपको समझ में आ रहा है? या पे चार्जिंग सेक्शन ही ऐसा बोलता है कि एक्सेप्ट लिकर सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में क्या है वो क्या बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे, वो बोले रहे कि गवर्नमेंट जो डेट नोटिफाई करेगा उस डेट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लेवी होगा, बट बिकॉज दैट डेट हैज नॉट येट बीन नोटिफाइड जीएसटी इज नॉट लेवीड ऑन पेट्रोल डीजल एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ऊपर जीएसटी लगाना है तो गवर्नमेंट का जॉब बहुत सिंपल है, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू जस्ट नोटिफाई डेट, एक नोटिफिकेशन निकालना है ऑफिशियल गैजेट में और डेट नोटिफाई करना है कि इस डेट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लेवी हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। लिकर पे अगर जीएसटी लगाना हो तो देखो आप फर्क कैसे होता है, कैसे इसमें मतलब लॉ फ्रेम करते टाइम कैसा ये चीज़ें मैटर करती है। देखो उन्होंने सेक्शन में ही बोला है कि एक्सेप्ट ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसका मतलब अगर लिकर पे टैक्स लगाना है तो गवर्नमेंट को लॉ अमेंड करना पड़ेगा, विच इज नॉट अ इजी टास्क, अंडरस्टूड, विच इज नॉट अ इजी टास्क। बट अगर पेट्रोल पे जीएसटी लेवी करना है तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू अमेंड द लॉ, जस्ट क्या करना है डेट नोटिफाई करो, इमीजिएटली जीएसटी लेवी हो जाएगा, अंडरस्टूड। लीकर पे जीएसटी और पेट्रोल प्रोडक्ट पे इसमें क्या डिफरेंस है? लेकिन इसमें ऐसा है क्योंकि आई विल टेल द रीजन व्हाट हैपेंस, कि हमने देखा था कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है, और फिर लीकर पे टैक्स लगाने का राइट स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। सो जब जीएसटी लेवी हो, जीएसटी के लिए सभी का कंसेंसस बनाने का काम चल रहा था, तो स्टेट्स वेर नॉट रेडी टू फॉरगो द रेवेन्यू विच वेर गेटिंग फ्रॉम लीकर, इसलिए उन्होंने बोले कि लीकर आप जीएसटी में लाओ ही मत। सो सभी स्टेट को एग्री करने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज उस टाइम करने पड़े, शायद उस टाइम पे वो लीकर वहाँ से उन्होंने एक्सक्लूड किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी ऐसा है कि फिलहाल क्या हो रहा है, जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या एप्लीकेबल होता है, वैट एप्लीकेबल होता है, पेट्रोल सीएनजी जो भी हम परचेस करते हैं उसके ऊपर वैट एप्लीकेबल होता है, वो वैट का रेवेन्यू किसको मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, ओके। गवर्नमेंट को अगर डेट नोटिफाई करना इतना ये बहुत आसान काम है, लेकिन वो होता क्यों नहीं है, अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रेडी टू फॉरगो द रेवेन्यू। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 29% से वैट लगता है पेट्रोल पे, 29% वैट प्लस पर लीटर 1 रुपये का सरचार्ज, ओके। सो वो जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रहा है, दे आर नॉट रेडी टू फॉरगो दैट रेवेन्यू, देयरफॉर अभी तक पॉसिबल होते हुए भी गवर्नमेंट ने उसका डेट नोटिफाई नहीं किया है, क्योंकि अगेन स्टेट गवर्नमेंट को ये फियर रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या होगा, एक बार अगर जीएसटी लेवी हो जाएगा तो पूरा का पूरा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट जीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन वो सेंट्रल के पास जाता है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे टाइम पे नहीं आते हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बहुत चीज़ें हैं, इसलिए स्टेट्स आर नॉट एग्रीइंग टू दिस, देयरफॉर अभी तक ये डेट नोटिफाई नहीं हुआ है। सो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर हम आईजीएसटी की प्रोविजंस देखेंगे ना, वेरी सेम प्रोविजंस है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वर्ड लिखा था, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल द सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वहां पे क्या था, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस था, ठीक है। सो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, सेम प्रोविजंस, ओके, एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 40%। यहाँ पे कैसा है, 40% बोला है, वहां पे कितना था 20, क्योंकि 20 स्टेट का 20 सेंट्रल का ऐसा मिलके वो 40% हो जाता है। आईजीएसटी तो एक ही लेवी होगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे, इसके लिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं 40%, ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी पेट्रोलियम कोड के बारे में वेरी सिमिलर प्रोविजंस दिया हुआ है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड क्या है। सिमिलरली यूटीजीएसटी एक्ट में भी ऐसे ही प्रोविजंस है, यहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी की जगह पे उन्होंने क्या बोल दिया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अंडरस्टूड, ठीक है। सो ये बेसिक चार्जिंग सेक्शंस हर एक लॉ में, मैंने जब आइडिया आपको लाने के लिए ये अलग अलग लॉ के प्रोविजन यहाँ पे सिर्फ कोट किए हैं, देर इज नथिंग मोर टू डिस्कस, क्योंकि प्रोविजन तो वेरी मच सिमिलर है, ठीक है। सो ये यहाँ पे लेवी डिफाइन हो गया, ये समझ में आ गया इतना, ठीक है। कुछ डाउट्स इसमें, लीकर का टैक्सेशन और पेट्रोलियम क्रूड का इसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया सबको, ठीक है, क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? हाँ,
लीकर तो चार्जिंग सेक्शन में से ही बाहर निकाला हुआ है, इसके लिए उसके ऊपर टैक्स लेवी होना भी मुश्किल है बहुत। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कैसा है, टैक्स इज देयर बट इट इज़ नॉट येट मेड एप्लीकेबल। जिस डेट से गवर्नमेंट डेट नोटिफाई करेगा उस डेट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी GST आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सम टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओके फ्रॉम GST, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, जिसको GST का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं GST में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग टैक्सेस और टू मेथड्स ऑफ लिविंग टैक्सेस, वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज एंड अनदर इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्स चार्ज। पहले आप ये रिवर्स चार्ज क्या होता है वो अंडरस्टैंड करो, फिर हम ये सेक्शन आके पढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या है। सी, नॉर्मल कोर्स में जो ट्रांजैक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस में होते हैं, सो इन 99 ऑफ आउट ऑफ द 100 केसेस द टैक्स इज लेविड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो जब मैं होलसेलर को गुड्स सेल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, होलसेलर से टैक्स कलेक्ट करूँगा और मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म। या फिर होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, रिटेलर क्या करेगा, फाइनल कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। इसका मतलब चेन में मेरे आगे वाला जो पर्सन है उससे मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ और वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करता हूँ। ये जो मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैं मेरे आगे वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट करता हूँ और पे करता हूँ, सो फॉरवर्ड चार्ज, ओके दिस इज कॉल्ड व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके बिल्कुल अपोजिट देर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर GST। ओके कौन सा कंसेप्ट है, GST में रिवर्स चार्ज का एक कंसेप्ट है। ठीक है, व्हाट इज दैट रिवर्स चार्ज, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉरवर्ड चार्ज में देखो कैसा होता है, रिसिपिएंट जो है अगर वो 100 रुपये का कोई गुड्स परचेस करेगा तो रिसिपिएंट सप्लायर को कितना अमाउंट पे करेगा, 118 पे करेगा, 100 रुपीज गुड्स के प्लस 18 रुपीज GST के, ऐसे मिलके वो 118 रुपये सप्लायर को पे करेगा और इस 118 में से 18 रुपये सप्लायर क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा इन द नेचर ऑफ टैक्स। दिस इज व्हाट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज। रिवर्स चार्ज में देखो कैसे होता है, रिवर्स चार्ज में ऐसा होता है कि अगर ये रिसिपिएंट सप्लायर से कोई गुड्स परचेस करता है ओके तो सप्लायर जो है ना वो उस ट्रांजेक्शन पे कोई भी GST लेवी नहीं करता। ओके अगर 100 रुपये का गुड्स मैंने परचेस किया तो रिसिपिएंट विल पे 100 रुपीज टू द सप्लायर, ही विल पे ओनली 100 और उसके ऊपर का जो टैक्स है 18 रुपीज का, द टैक्स विल बी डायरेक्टली पेड बाय रिसिपिएंट टू द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, पहले फॉरवर्ड चार्ज में देखो क्या हो रहा है कि सप्लायर 100 प्लस 18 करके मुझे इनवॉइस दे देगा और मैं 118 रुपये सप्लायर को पे करूंगा, उसमें से 18 रुपीज गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अंडरस्टूड। रिवर्स चार्ज में क्या होता है देखो कि रिसिपिएंट जो है वो सप्लायर को सिर्फ गुड्स की प्राइस पे करता है या सर्विस की प्राइस पे करता है, कितना, 100 रुपीज, और उसके ऊपर जो टैक्स है 18 रुपये का वो टैक्स रिसिपिएंट खुद ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देता। अंडरस्टूड। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट विच इज नॉर्मल ट्रांजेक्शन, बट अंडर रिवर्स चार्ज रिसिपियंट पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ये बेसिक समझ में आ गया, मतलब जब हम फॉरवर्ड चार्ज में बोलते हैं तो टैक्स पे करने की लीगल लायबिलिटी सप्लायर की होती है ओके बट जब कोई ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज में टैक्स होता है तो सप्लायर हैज नो लायबिलिटी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। लीगल लायबिलिटी किसके हैंड्स पे है, रिसिपिएंट्स के हैंड पे। सो रिसिपिएंट इज लीगली लायबल टू पे द टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन विच आर परचेस्ड बाय और ऑन द गुड्स एंड सर्विस विच आर परचेस्ड बाय हिम। समझ में आ गया रिवर्स चार्ज कैसे काम करता है।
ओके सो मतलब क्या है कि लीगल लायबिलिटी किसके ऊपर बनती है, तो रिसिपिएंट के ऊपर बनती है। सो अगर फॉरवर्ड चार्ज में मान लो सप्लायर टैक्स पे नहीं करता गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लायर के घर में जाके रेड मारेगी और जीएसटी वसूल करेगी। रेड मारेगी इन द सेंस उसके हैंड से वो जीएसटी वो वसूल करेगी। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज में टैक्स हो रहा है, तो लीगल लायबिलिटी किसकी बनती है टैक्स पे करने की, रिसिपिएंट की बनती है। सो गवर्नमेंट को अगर टैक्स वसूल करना है तो किससे करेंगे, वो रिसिपिएंट से करेंगे, ना कि सप्लायर से। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। देयरफॉर आई हैव टोल्ड कि इन 99 आउट ऑफ 100 केसेस इट विल बी टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज ओनली, बट ऑन सम स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस टैक्स इज पेबल अंडर विच मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये समझ में आ गया आपको? देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है या ऐसा क्यों होता है, क्या मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन ये बेसिक उसका मोडस ऑपरेंडी समझ में आ गया क्या? देखो फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है और रिवर्स चार्ज में क्या होता है। सो ये जो रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजन है ना, वो प्रोविजन सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, रिवर्स चार्ज के प्रोविजन क्या क्या है, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में दिए हुए हैं। सो व्हाट आर दिस प्रोविजंस? देखो सबसेक्शन 3, सी सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज ओनली, सबसेक्शन 4 ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज ओनली। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन शॉर्ट वी विल यूज द वर्ड RCM, RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोला है देखो, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपियंट। क्या बोला है, गवर्नमेंट विल नोटिफाई द कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and only on those notified goods and services reverse charge will be applicable. So in case of those notified services, tax shall be paid on reverse charge basis by whom? Not by the supplier but by the recipient. Understood? Of such goods and services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable to pay the tax in relation to supply of such goods or services or both. और वो क्या बोल रहे हैं, टैक्स पे करने की जो लीगल लायबिलिटी हो ये किसके ऊपर आएगी, रिसिपिएंट के ऊपर आएगी। समझ में आ गया? अंडरस्टूड व्हाट दिस रिवर्स चार्ज इज? नाउ सबसेक्शन 4 इज आल्सो अबाउट रिवर्स चार्ज, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। क्या बोल रहा है देखो सबसेक्शन 4, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स हु शैल in respect of supply of specified categories of goods and services or both received from unregistered person shall pay the tax on reverse charge basis as a recipient and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or service or both. ठीक है, सो देखो दोनों में रिवर्स चार्ज के बारे में ही बात किया है। अंडरस्टूड, इसका मतलब टैक्स किसको देना है, रिसिपियंट को देना, लाइबिलिटी टू पे टैक्सेस इन द हैंड्स ऑफ होम, इन द हैंड्स ऑफ रिसिपियंट। ठीक है, एंड रिसिपियंट इज द पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स। लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, डिफरेंस ऐसा है कि फिर से वो रेड वाला वर्डिंग है ना दोनों इसमें, ये हम देखते हैं। सबसेक्शन 3 व्हाट इज इट सेइंग, कि स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड बाय द रिसिपियंट। सिंपल बोला है, ये गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ गुड्स या सर्विसेज नोटिफाई करेगा, उसके ऊपर का टैक्स किसको पे करना है, रिसिपिएंट को पे करना है, सिंपल। ओके, और सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, कि स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। ओके, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसका मतलब सबसेक्शन 4 में दो एडिशनल चीजें, ऐसा है कि गवर्नमेंट विल नोटिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो तो दोनों जगह पे है ही, लेकिन सबसेक्शन 4 में ऐसा है कि वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सप्लाई करता है, अनरजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो सबसेक्शन 4 में जो सर्विस नोटिफाई करेंगे किए हुए गवर्नमेंट ने, वो नोटिफाइड सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, only in that case subsection 4 का reverse charge will be applicable. समझ में आ रहा है? देखो subsection 3 में सिर्फ
क्या बोला है, वो कैटेगरी ऑफ सर्विस और गुड्स नोटिफाई करेंगे, उसका रिसिपिएंट कौन है और सप्लायर कौन है, ये मैटर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अंडरस्टूड? देखो, लेकिन सबसेक्शन 4 में क्या हो रहा है, सर्विसेज और गुड्स नोटिफाइड है, और अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को देता है तो ही रिवर्ट चार्ज एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है, अंडरस्टूड? क्या हो रहा है देखो फिर से, रिवर्ट चार्ज मतलब क्या, लायबिलिटी टू पे टैक्स इज इन द हैंड्स ऑफ whom, इट इज इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। और 9(3) का रिवर्ट चार्ज क्या बोलता है, ओनली स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर कैन बी एनीवन, रिसिपिएंट कैन बी एनीवन, रिवर्ट चार्ज विल बी एप्लीकेबल, राइट? बट इफ 9(4) का रिवर्ट चार्ज आप देखोगे तो 9(4) का रिवर्ट चार्ज में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर स्पेसिफाइड बट इन दैट केस सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड एंड रिसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ओनली इन दैट केस सबसेक्शन 4 का रिवर्ट चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। सबसेक्शन 3 का रिवर्ट चार्ज के लिए सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुड सर्विस कौन सी नोटिफाई है क्या वो ही आपको देखना है। लेकिन सबसेक्शन 4 के लिए स्पेसिफाइड गुड्स, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, ऐसा है तो ही इसके ऊपर क्या होगा, रिवर्ट चार्ज का लायबिलिटी आ जाएगा। ये समझ में आ गया? ओके, रिवर्ट चार्ज मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया? ओके, उसमें क्या होता है कि रिवर्ट चार्ज में मतलब फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा कि सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी है कि वो उसके रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे, लेकिन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसे होता है कि सप्लायर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है टैक्स पे करने की, लायबिलिटी किसके हैंड में है, लीगली रिसिपिएंट के हैंड में। सो जो कुछ गुड सर्विस वो परचेस करेगा उस परचेस के ऊपर अगर वो गुड्स या सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर हो रहा है तो उसको उसके ऊपर टैक्स क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, अंडरस्टूड? ठीक है, सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई किए हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, सो गुड्स कौन से नोटिफाई किया है ना, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये गुड्स कौन कौन से वो दिए हैं। हमारे सिलेबस में कवर क्या किया है, सर्विसेज कौन कौन से नोटिफाई किए हैं, वो भी 9(3) के लिए नोटिफाई किए हुए वही सर्विसेज कवर्ड है। 9(4) के लिए जो सर्विस नोटिफाई हुआ है वो अगेन हमारे सिलेबस में आपके इंटर के लेवल पे कवर नहीं किया है, वो कब कवर किया है, फाइनल में कवर किया है। सो बिफोर वी रीड दैट लिस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये ऐसे प्रोविजंस क्यों लाए हैं लॉ में, ओके, कि रिवर्ट चार्ज का मैकेनिज्म क्यों एप्लीकेबल होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ गुड्स विच इज नोटिफाइड, बीडी रैपर लीव्स, ओके, बीडी रैपर लीव्स पता है आपको, बीडी क्या होता है पता है, व्हाट इज दैट, बीडी मीन्स नॉट, इट इज नॉट सिगरेट, इट इज समथिंग डिफरेंट, वो मतलब ज़्यादा के ज़्यादा रूरल एरियाज में उसका कंजम्पशन होता है, इट्स लुक लाइक सिगरेट ओनली बट डेट इज डिफरेंट, व्हाई इट इज, मतलब रिवर चार्ज में क्यों आ रहा है ये बता दो। वो क्या होता है, मान लो देखो कि ये जो बीड़ी है ना वो तेंदू करके एक प्लांट आता है हमारे यहाँ पे, उस तेंदू के जो पत्ते होते हैं उस पत्ते से वो बीड़ी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ओके, या फिर अगर आप टोबैको जो सेल होता है उसमें भी ऐसा होता है कि टोबैको का प्लांटेशन होता है, वो प्लांट मतलब टोबैको प्लांट के जो पत्ते होते हैं उससे वो टोबैको मैन्युफैक्चर होता है और वो सेल होता है, ओके, और इसमें कैसे होता है कि ये जो बीडी रैपर लीव्स है या फिर तेंदू के लीव्स है वो बहुत सारे ये जो ट्राइबल एरियाज जहाँ पे है ना या फिर जंगल बहुत सारा होता है वहाँ पे वो प्लांटेशन आपको मिलता है, फिर सेम फॉर टोबैको ऑल्सो। तो उसमें ऐसे है कि जो ट्राइबल लोग है हमारे यहाँ पे, ओके, वो ट्राइबल लोग नॉर्मली वो बीडी रैपर लीव्स कलेक्ट करते हैं और जो बीडी मैन्युफैक्चर है उसको आके सेल करते हैं। सेम फॉर टोबैको, बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट लोग ऐसे जो टोबैको का प्लांटेशन करते हैं और उसके जो पत्ते होते हैं वो फिर वो टोबैको मैन्युफैक्चरर को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो बीडी और टोबैको की इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है हमारे कंट्री में, ओके, यू टू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि ये जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले या फिर फार्मर लोग जो हैं जो इस टोबैको का प्लांटेशन करते हैं या फिर बीडी रैपर लीव्स कलेक्ट करते हैं, वो तो लोग दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू पे दैट, ये सब दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, ओके, ट्राइबल लोग तो एजुकेटेड होते ही नहीं है। दूसरा बात ऐसा है कि जीएसटी में हमने देखा था कि देर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन,
20 लाख या 40 लाख, ओके, इफ योर टर्नओवर इज बिलो 20 लाख या 40 लाख, यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सो इफ आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इफ आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, देन आई विल नॉट पे द टैक्सेस ऑन द ट्रांजेक्शंस. अंडरस्टूड? तो अगर ऐसा है, देखो कि ट्राइबल एरिया में जो लोग ये बीडी रैपर यूज कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को लाके देंगे, उस किसी का भी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता होगा? डू यू थिंक? नहीं होता है, राइट? सो ऐसे 20 लाख से कम टर्नओवर होने वाले बहुत सारे लोग ट्राइबल एरियाज में है जो इतने बड़े इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल का सप्लाई करते हैं, बट वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होते, राइट? तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट तो उनको जाके पकड़ नहीं सकती, कितने लोगों को पकड़ेगी? बिकॉज दे आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बीडी मैन्युफैक्चर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, राइट? बीडी मैन्युफैक्चर का उसको कुछ तो फैक्ट्री रहेगा, उसमें कुछ तो पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको कुछ फाइनेंस या टैक्सेशन के बारे में कुछ तो समझ में आता रहेगा. और मान लो बीडी रैपर लूज कलेक्ट करने वाले 1000 लोग हैं, तो बीडी मैन्युफैक्चर एक या दो ही रहेंगे. सो गवर्नमेंट का काम क्या है? अगर वो बीडी मैन्युफैक्चर को पकड़ते हैं तो उनसे टैक्स वसूल करना इजी टास्क है फॉर गवर्नमेंट. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट 100 और 1000 persons वो कलेक्ट दैट बीडी रैपर लूज. सो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका प्रोविजन जो है वो रिवर्स चार्ज में कर दिया. सो वो क्या बोलते हैं, जो बीडी रैपर लूज सेल करेगा उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जो रिसीव करेगा, मतलब बीडी मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर उसका टैक्स पे करने का लायबिलिटी गवर्नमेंट ने डाल दिया है. समझ में आ गया? मतलब कैसे हुआ, उसमें गवर्नमेंट का फायदा क्या है कि जो 1000 लोग हैं जिसका हर एक का टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, वो तो जीएसटी के लिए लायबल नहीं हो सकते, लेकिन वो जिसको सप्लाई करते हैं वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला पर्सन है. सो बेटर वी कैन कैच हिम एंड वी कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दैट, राइट? सो अगर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है ना, तो 20 लाख 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता, वो हम देखने वाले हैं अलग से चैप्टर में. तो फिर गवर्नमेंट को क्या हुआ, ये पूरे के पूरे 1000 लोग जो कुछ गुड सप्लाई करेंगे, उस पूरे के पूरे 1000 लोगों से जो माल आया है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, और वो टैक्स मिलेगा उसके लिए उसको 100,000 लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ क्या करेंगे, जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उससे टैक्स वसूल करना गवर्नमेंट के लिए ईजी है. सो ये कुछ ऐसे रीजंस है कि जिसकी वजह से ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है ना वो जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कि जहाँ पे सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है लेकिन रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना इजी है. ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में, ये सभी जगह पे ऐसा होता है. देखो कैशूनट्स के बारे में भी ऐसा ही होता है. ओके, कैशूनट्स में क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो कैशूनट का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो कैशूनट पील करके उसको प्रोसेस करना, इसके लिए जो फैक्ट्रीज है वो बड़े स्केल पे काम करने वाली है, सो उनसे टैक्स वसूल करना इजी है. लॉटरी, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन यूज व्हीकल्स, ये सभी ऐसे ही है. ओके, सो नॉर्मली ऐसे जो गुड्स है जिसके ऊपर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना इजी है, वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिवर्स चार्ज में नोटिफाई किए हुए हैं. अंडरस्टूड? ओके, और जो कुछ ऐसे जो गुड्स है, ये गुड्स हमारे सिलेबस में कवर नहीं है. हमारे सिलेबस में कवर क्या किया है, सर्विसेज रिवर्स चार्ज में कौन कौन से टैक्स होते हैं वो कवर किया है. ओके, सो उसका लिस्ट हमको देखना है, लेकिन अभी देखो 2 बज गए तो लेट्स टेक अ ब्रेक. ओके, आप लंच कर लो, एट 2:30 वी विल स्टार्ट अगेन. ओके, सो लेट्स मीट शार्प एट 2:30. बाकी का जो पार्ट है वो हम कवर, आज 6 बजे तक जीएसटी डिस्कस करना है हमको, ठीक है? सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन गूगल मीट पे जो ज्वाइन है, एग्जैक्टली 2:30 को आपको ज्वाइन करना है. ओके ओके सर.